की शादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जींस पहन के जो तूने मारा ढूमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना नशा क्यों छा रहा है, तूने हवा में। कहते हैं कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, फिर चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, या फिर भगवान ने किसी इंसान को साधारण से कुछ कम क्यों ना बनाया हो। ऐसा ही कुछ कैथल की रहने वाली 13 साल की लक्ष्मी ने कर दिखाया है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की 8वीं कक्षा की लक्ष्मी है, जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लक्ष्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बता दें कि लक्ष्मी ने प्रदेश स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें लक्ष्मी ने पूरे प्रदेश में पेंटिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। और गजब की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में लक्ष्मी उन सभी बच्चों से आगे रही है जो भगवान के बनाए शरीर से संपूर्ण है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों और टीचर्स ने भी भाग लिया था, जिसमें कि लक्ष्मी ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। लक्ष्मी मेरे विद्यालय से 8वीं क्लास की बहुत ही प्रतिभावान छात्रा है, हम सबको गर्व है। राज्य भर में लक्ष्मी ने हमारे विद्यालय का, गांव बाबा लदाना का और जिला कैथल का नाम रोशन किया है। मैम, जैसा कि हमें ज्ञात है कि लक्ष्मी बोल सुन नहीं सकती, लेकिन उसकी प्रतिभा अद्भुत है, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, अपार हर्ष अनुभव कर रही हूँ। और एक मैं अपनी स्कूल की सभी बेटियों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। पूरा आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां, जो रूरल एरिया है वहां की लड़कियां आत्मनिर्भर कम बन पाती हैं, लेकिन ये लड़की जैसे बोल सुन भी नहीं सकती, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के अंदर जो पेंटिंग की एक प्रतिभा है और उनके अभिभावक जैसे हमें बताते हैं कि वो घरेलू कार्य में भी दक्ष है, तो ये आगे नेशनल लेवल पर और अधिक तरक्की करे। इसकी जो पेंटिंग की प्रतिभा है उसमें और ज़्यादा हम सभी मिलकर के प्रयास करें, ये हम सब समाज की जिम्मेवारी है। 13 वर्ष की ये लक्ष्मी कैथल के गांव बाबा लदाना की रहने वाली है और ये गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। लक्ष्मी की दीदी ने बताया कि ये अन्य बच्चों की तरह ही स्कूल में मेहनत करती है और अपना पूरा काम ध्यान से करती है। लक्ष्मी सुन न पाने के बावजूद भी डांस कर लेती है और घर व स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह ही काम करती है। सारा कर ले जी, मक्की की भी रोटी बना ले, बाजरे की चूल्हा पे भी, गैस पे भी, छोंक भी चीर ले है, पोचा पोचा इंटरलॉक कर ले है, तरपाई कर ले है, देख का हर काम कर ले, मेहंदी भी लगा ले है, कई तरह के चोटी आप बनावे है, जूड़े भी आप बना ले है, सारी चीज सीखी। आपको बता दें कि लक्ष्मी के प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल करने पर टीचर्स व परिजनों को गौरव महसूस हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये बच्ची जिले व प्रदेश का नाम आगे भी रोशन करेगी। लक्ष्मी अपने भावों को पेंटिंग के माध्यम से कागज पर उकेरती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बच्ची ने वो मुकाम हासिल किया है